अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। अजीब कश्मकश है अभिभावकों व स्कूल संचालकों के बीच। अभिभावक 3 माह की फीस छूट की मांग पर अड़े हैं तो संचालक फीस लेने की जिद पर। अभिभावकों का कहना है कि 3 माह में कोई काम धंधा नहीं चला है, बड़ी संख्या में नौकरी चली गई है और बड़ी संख्या में ही लोगों के वेतन में कटौती कर दी गई है। ऐसे में जब स्कूल खुले ही नहीं तो फिर फीस किस बात की। वहीं संचालकों का कहना है कि इस अवधि में उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई कराई है, इसके अलावा जब वह स्टाफ व टीचर्स को वेतन दे रहे हैं तो फीस क्यों न लें। इस जद्दोजहद के बीच कई विद्यालयों ने फीस न देने वाले बच्चों के नाम रिमूव कर दिए हैं तो कुछ ने अभिभावकों पर पूरा प्रेशर बना रखा है फीस के लिए। इस बीच भले ही शहर, मुल्क व विदेशों में लॉकडाउन लगा रहा हो, लेकिन हर चीज़ की जमकर कालाबाजारी या फिर शटर के नीचे अथवा पीछे से सामान की आपूर्ति खूब हुई है। मेरठ सदर स्थित आइडियल बुक डिपो के संचालक सुधीर सलूजा को कोरोना की पुष्टि भी इसी बात का सबूत है कि उन्होंने खुलकर लॉकडाउन के धज्जे उड़ाते हुए किताब का चेन भी काफ़ी लंबी बनने वाली है। गंभीर बात यह भी है कि डिपो संचालक एक बार चोरी से किताबें बेचने पर, यानी कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर, उनका एक बार चालान हो चुका है, जबकि 2 बार सदर थाना पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई है, लेकिन यहाँ भी उनका प्रभाव कम आया। स्कूल संचालकों के अभिभावकों के बराबर यह है व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि सदर स्थित आइडियल बुक डिपो अथवा कालीमाई मंदिर के सामने स्थित दुकान से किताब कॉपी खरीदी जा सकती है, यानी लॉकडाउन का उल्लंघन करके। इस पैरेलल व्यवस्था ने अब डिपो संचालक के पॉजिटिव आने के बाद तमाम उन लोगों को सुनते हैं फीस के खिलाफत कर रहे पब्लिक स्कूल अभिभावक संघ के संयोजक कपिल शर्मा को। कोरोना के इस महामारी के समय में जहां सरकार जनता को सभी तरह की रियायत देने में लगी हुई है और मेरठ शहर की जनता तमाम परेशानियों से दोचार हो रही है, पब्लिक स्कूल संचालकों ने महामारी के समय में जनता की परेशानियों की परवाह ना करते हुए ऑनलाइन पढ़ाने का बहाना करके भारी भरकम शुल्क मांगने का कार्य करना शुरू कर दिया था, जो कि असंवैधानिक था। इस तरह शुल्क मांगे जाने का जानकारी होने पर हम अभिभावकों के द्वारा विद्यालय प्रबंधन से शुल्क मांगने का विरोध किया गया तथा इस तरीके के ऑनलाइन पढ़ाई को छात्रों के लिए हानिकारक होना की जानकारी भी विद्यालय को दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी विद्यालय प्रबंधन तरह तरह से बहाने बना करके छात्र छात्राओं के मोबाइल पर मैसेज करके शुल्क की मांग कर रहे हैं और शुल्क न देने पर तरह तरीके से धमकी देने का कार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भी दिया है, साथ ही एक अभिभावक सपा नेता विवेक गुप्ता बता रहे हैं इस बारे में। आज हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, इससे सब परिवार जूझ रहे हैं, हर व्यक्ति हिंदुस्तान का जूझ रहा है, लेकिन इस महामारी में भी पब्लिक स्कूल अपने छात्र व अभिभावकों पर दबाव बनाकर फीस की मांग कर रहे हैं लगातार, जिससे हर व्यक्ति टूट चुका है। हमारा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि वह इस पर रोक लगाएं और लॉकडाउन के अवधि की फीस माफ़ करने के संबंध में कानून बनाकर, सख्त से सख्त कानून बनाकर पब्लिक स्कूलों को आदेशित करें कि वह किसी से भी फीस की मांग ना करें। वाकई में फीस न देने पर नाम रिमूव किए जा रहे हैं, इस बात की तस्दीक करता है ये ऑडियो। आइए सुनते हैं एक पेरेंट व टीचर्स के बीच का वार्तालाप। यह वार्तालाप मेरठ के सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल का बताया जा रहा है। हेलो मैम, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, आपने इस स्टूडेंट को तुमने वो कर दिया, रिमूव कर दिया। हाँ जी है जी, तो फिर एक काम करना, मैडम आप इसका नाम काट देना बच्चों का।
जी आप नाम काट दो बच्चे का स्कूल से, अगर फीस जमा नहीं हो पा रही तो आप इसमें वो लिख के दे दो। ऑफिस में जाके बात कर, नहीं ऑफिस से जाके आप रिमूव कर रहे हो, आप टीचर हम तो आपसे बात करेंगे ना इस बारे में। नहीं नहीं ये नाम रिमूव करने का ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आप ऑफिस में जाके बात करिए, वहाँ पे आपका नाम रिमूव हो जाएगा। आपने तो रिमूव किया है ग्रुप पे से? हाँ तो मैंने रिमूव कर दिया। तो आप इसे नाम काट दीजिए, आप एप्लीकेशन डाल दो स्कूल में, क्यों नहीं काट सकते जब आप बीच में टेस्ट में रोक सकते। इस खबर में आज इतना ही, और आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।